खबर पीलीभीत से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानू ने भ्रष्ट जिला प्रशासन के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन जिला कलेक्टर पीलीभीत में किया। कृषक विश्राम गृह मंडी परिषद से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्टर पीलीभीत तक पहुंची और वहां पहुंचकर 8 सूत्रीय ज्ञापन मांगा। पत्र संबोधित मुख्यमंत्री को द्वारा जिला अधिकारी पीलीभीत व जिलाधिकारी पीलीभीत को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। पंचायत की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष भजन लाल क्रोधी, जिला महामंत्री अशोक राठौर, जिला कलेक्टर पीलीभीत में संबोधन करते हुए जिलाध्यक्ष भजन लाल क्रोधी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन भानू द्वारा किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर पहले भी ज्ञापन मांग पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जिलाधिकारी से मिलने अपनी पीड़ा को बताने आए हैं और यदि हमारी मांगों पर जनवरी माह में कार्यवाही सुनिश्चित करें, यदि नहीं हुई तो अगले फरवरी माह में जिला कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पीलीभीत की होगी। हमारी लड़ाई है जो किसान सम्मान निधि का पात्र है उसको किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लोग साथी आते हैं उनको आवास क्यों नहीं दिए गए। इन्हीं तथा के भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारियों की अपनी कलम के द्वारा जो पात्र शौचालय के 5 प्रधानमंत्री आवास के पात्र थे उनको अपात्र कर दिया और सीताराम की जगह मेवाराम का नाम रख दिया। ये काम यहाँ का जिला प्रशासन सिखाता है निम्न स्तर के कर्मचारियों को। सन 2014 से स्वच्छ भारत मिशन योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।